बीकानेर के खाजूवाला विधायक और राजस्थान सरकार के आपदा राहत एवं प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल को विदेशी नंबर से धमकी भरा फोन आया है। फोन करने वाले ने खुद को सोपू गैंग का मेंबर बताते हुए मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बेटे और बेटी को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाले शख्स ने 70 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की है। इस धमकी भरे फोन के बाद उदयपुर की बाड़ेबंदी में रखे गए मंत्री गोविंद राम मेघवाल की सुरक्षा और टाइट कर दी गई है, लेकिन उनका परिवार अब काफी डरा हुआ है। मंत्री के बेटे ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है। अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पे कॉल आया जिसमें कि 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, अन्यथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में JNVC थाने में मुकदमा संख्या 187/22 IPC की धारा 387 और 506 में जो धमकी देने वाला इसके और कोई नहीं बल्कि सेठी राम है उर्फ सुनील कुमार बिश्नोई है। इनके पिता का नाम हंसराज है। ये 10BD खाजूवाला बीकानेर के रहने वाले। और इनके पृष्ठभूमि के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये कुल 4 लोग थे जो 2.5 साल पहले यहाँ से काम करने के लिए मलेशिया गए थे। अमन बिश्नोई, अमरजीत और राकेश कुमार, और उसके साथ ये चौथा नाम था सेठी राम, जिसको सुनील कुमार बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर जो गंगानगर के पास इसके अलावा 12 और लोग भी डिटेन किए गए हैं, जिनसे की सख्त पूछताछ की जा रही है, जो इनके संपर्क में थे। बीकानेर में कुल 11 लोग प्लस एक उनकी जो फ्रेंड है, महिला मित्र, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल के परिवार को धमकी देने वाला युवक बीकानेर का ही सुनील बिश्नोई है, जो कि मलेशिया में बैठकर अब मंत्री के परिवार को धमका रहा है, फिरौती की मांग कर रहा है। मंत्री पुत्र गौरव मेघवाल की शिकायत पर खुद IG बीकानेर रेंज ने मामले की जांच संभाल ली है। करीब 24 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन मंत्री का परिवार अब काफी जरा सहमा है, क्योंकि पूरा परिवार ही सियासत में है, लिहाजा घर के बाहर लोगों के बीच तो जाना ही पड़ता है। ऐसे में कब कहां से कौन अटैक कर दे, क्या पता। कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद राम जी मेघवाल, उनको एक धमकी भरा फोन आया है 601 से और एक फिरौती मांगी गई है। सोफू गैंग से संबंधित कॉल आया है और 70 लाख की फिरौती मांगी गई। तो गार्ड तो घर में मिलता ही है, 2 PSO मुझे भी दिए गए हैं, क्यों मैं मौके का प्रधान हूँ और लगभग मैं निरंतर क्षेत्र में ही रहता हूँ, इसलिए 2 PSO मेरे साथ भी SP साहब के आदेश से मेरे साथ भी आए हैं। यही है कि आप मंत्री हो, आपके साथ तो पुलिस की सुरक्षा है, आपका बच्चा प्रधान है, बच्ची आपकी जिला परिषद मेंबर है, वो फील्ड में रहते हैं हर दिन, तो आपको सुरक्षा मिली हुई है, उनको तो जान का खतरा है, उनको तो कभी भी हम उनके ऊपर मतलब हमला कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मंत्री के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत की खबरें चल रही हैं, उसे देखकर हर कोई डरा सहमा था, और अब सोपू गैंग की ओर से राजस्थान सरकार के मंत्री के परिवार को इस तरह से जान से मारने की धमकी आने से और दहशत फैल रही है। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।